प्रचारक हूँ, मैं उस संगठन का प्रचारक हूँ जो धर्म की बात करता है। झांसी के जीवन शाह तिराहा स्थित होटल मॉलिक्यूल में आयोजित दांडिया नाइट कार्यक्रम के आयोजकों से 50,000 रुपए की रंगदारी मांगने न मिलने पर कार्यक्रम में पहुंचकर हंगामा करने के आरोप में 5 युवकों समेत 35 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। यह सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शनिवार रात होटल मॉलिक्यूल में दांडिया नाइट चल रहा था। रात करीब 8 बजे दर्जनों कार्यकर्ता होटल के अंदर जा घुसे। होटल कर्मियों से कार्यक्रम की परमिशन दिखाने के साथ ही कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे लोगों से आधार कार्ड दिखाने को कहने लगे। होटल कर्मियों के मुताबिक आरोपी युवकों के पास हॉकी स्टिक समेत बेसबॉल के बैट थे। 50,000 रुपये न देने पर कार्यक्रम बंद कराने की धमकी देने लगे। वहां मौजूद महिलाओं से अभद्रता भी की। सूचना पर CO रामवीर सिंह, थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह ने मौके पर पहुंच 31 लोगों को पकड़ लिया। थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह के मुताबिक होटल सुरक्षा गार्ड विवेक पाल की तहरीर पर निखिल यशराज, हरीश रतन सिंह ठाकुर, हर्षित गुलशन उर्फ गोलू महाराज समेत 35 अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। आरोपी बजरंग दल के बताए जा रहे हैं। मामले की छानबीन की जा रही है। आज दिनांक 5/10/2024 को थाना क्षेत्र नवाबाद स्थित मोलेपुल होटल में आज दांडिया का प्रोग्राम चल रहा था। इसी बीच कुछ लोग वहां पहुंचे और कोई बहाना लेकर के हंगामा करने लगे। पुलिस को सूचना मिलते ही तत्काल वहां मौके पर क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स पहुंची। वहां पे कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया। जो वहां पे सुरक्षा गार्ड था उसकी तहरीर पर FIR पंजीकृत करते हुए उनके विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। झांसी से राजू सिंह के साथ रवि परिहार की रिपोर्ट।